चाचा जी, आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। चलिए उस पर मत पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते, हमारे राजा बहुत कम पूछे। बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को, तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच की दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि दोनों को एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं आ रहा है। भतीजे पर चाचा के तंज से समाजवादी पार्टी की अंदरूनी सियासत गर्मा गई है। इस बीच शिवपाल यादव ने ऐसा कुछ कह दिया जिससे जो सियासत है वो गर्मा गई। क्या कुछ कहा है शिवपाल यादव ने, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। ऐसा लगने लगा था कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच संघर्ष विराम हो गया है, खींची तलवार वापस म्यान में चली गई है, लेकिन चाचा भतीजे के बीच की रार एक बार फिर से खुलकर सामने आ रही है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के अधिवेशन पर निशाना साधा है। चाचा जी, आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। चलिए उस पर मत पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते, हमारे राजा बहुत कम पूछे। आपका अधिवेशन कब होगा चाचा? हमारा हो चुका है, प्रदेश अधिवेशन हो चुका है, जब राष्ट्रीय करेंगे तब सूचना देंगे। अखिलेश यादव का अध्यक्ष न जाना तय माना जा रहा है, इसी को लेकर शिवपाल यादव ने तंज कसा है। चाचा जी, आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। चलिए उस पर मत पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते, हमारे राजा बहुत कम पूछे। शिवपाल यादव ने ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा है कि पहले साल 2014, फिर 17, फिर 19 और अब साल 2022, अब आज के बाद आगे नया विहान नहीं, मार्ग अवसान की तरफ जाता दिख रहा है। शिवपाल यादव ने किसी पार्टी का नाम न लिया, न तो नेता का लिया, लेकिन फिर भी निशाना बिल्कुल साफ साधा। शिवपाल के निशाने पर अखिलेश यादव हैं, जो आज चौथी बार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। भतीजे पर चाचा के तंज ने अंदरूनी लड़ाई को फिर से जग जाहिर कर दिया है। ये भी लेना चाहती है हमारे चाचा को, तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अखिलेश यादव को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। सपा का अधिवेशन लखनऊ में रामाबाई मैदान में हुआ। ये लगातार तीसरी बार है जब अखिलेश यादव को सपा का अध्यक्ष चुना गया है। इस बीच एक बार फिर से अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच में जो तनातनी है वो फिर से एक बार दिखते आई है। ऐसा खैर पहली बार नहीं हो रहा है कि मीडिया के सामने चाचा शिवपाल ने या फिर अखिलेश ने कुछ ऐसा बड़ा बयान दिया है जिससे ये चीज जग जाहिर हो गई है कि जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में, आप अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रख सकते हैं। और ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह और आप देख रहे थे अनकट। चाचा जी, आज समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है। चलिए उस पर मत पूछिए, चलो उस पर क्यों पूछते, हमारे राजा बहुत कम पूछे। बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को, तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी।